राधे कृष्णा जी, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप मुझे बताएं। मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। और मैं यहाँ बैठी हुई थी, हम मामा जी के घर जा रहे थे, उनके आज धर्म साथ बोलते हैं हमारे, तो उनकी उनकी डेथ हुई थी। और यार राजीव मेरी वीडियो बना रहा था, ये मेरे स्पीड स्लो की नहीं रखी हुई, इसमें स्पीड तेज कर दिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती है अगर मैं ऐसी ही रखती। और अब हम जा रहे हैं बस अड्डे अपने, जो हमारा बस अड्डा है वहाँ के लिए जा रहे हैं हम। बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं यहाँ पे। हम मुझे याद ही नहीं हम क्या बात कर रहे थे आपस में, शायद हाँ ये मना कर रहा था मेरे को, राजीव की वीडियो नहीं बनानी हमने। और ये हमेशा ऐसे करता रहता, कोई भी वीडियो भी ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करता। और यहाँ पौड़ियाँ थी काफ़ी, तो ये मेरे को पौड़ियों से चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे पास खड़ी चढ़ाई लगती है यहाँ पे, रास्ता भी ठीक कहीं कहीं बीच में खराब है। और यहाँ पे शादी थी रास्ते में एक घर में, तो वहाँ बहुत अच्छा सजाया हुआ था घर, मैं उसको देखी थी। ये बीच में एक गली थी, हम गली में क्रॉस हो रहे थे। हम जा रहे हैं अभी धर्मशाला भी लगती है रास्ते में, यहाँ लोअर बाजार बोलते हैं यहाँ सोलन, लोअर बाजार धर्मशाला। और ये हमारे जानने वाले मिल गए थे, मैं वीडियो बना रही थी एकदम से अचानक आ गए। और फिर हमने मामा जी के घर के जाने लिए फ्रूट लिए थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या क्या ले जाते हैं मामा जी के घर को, पर फिर भी मैं फ्रूट ले गई थी। प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें और मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें। ये सब्जी वाले और ये फ्रूट वाले भी, सब्जी वाले पहले साइड को ही, ये फ्रूट वाले दोनों ही हमारे जानने वाले हैं, मार्केट में है ये। और इनके चाय की शॉप है, बस स्टैंड गए थे हम, बस स्टैंड से हम बस लेनी थी हमें। और ये सन्नी भी आए बस स्टैंड पे, उनके शॉप है चाय की, और बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हैं, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है, मैंने राजीव के लिए आइसक्रीम भी ली थी और मैं बैठ गई थी यहाँ पे ऐसे ही। ये बता रहे थे कि आदत पड़ जाती है ऐसी काम करने की, सुबह से शाम तक खड़े खड़े होके काम करने की, ऐसे बता रहे थे। और यहाँ पे मैंने राजीव के लिए आइसक्रीम ली थी, साथ में बेचारे कोई आंटी थे, उन्होंने चाय पी और वो बाहर निकल गए फिर चाय शॉप से।
और हम बस में बैठ के अब जा रहे हैं हम चंबाघाट साइड। ये है चंबाघाट से बस स्टैंड से चंबाघाट के लिए, और ये जवना जी रोड कट गया यहाँ पे। ये साथ में पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है। और ये सिलब कॉलेज है, और यहाँ पे सोलन का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। ये पेट्रोल पंप है, और ये चारों तरफ का यहाँ भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया हुआ था। और ये सेंट लुक्स स्कूल सोलन का बहुत ही बड़ा इंग्लिश स्कूल है, बहुत पुराना भी। और यहाँ पे दुकानें चलती दिखती जा रही है। और उधर काफ़ी वो उधर पहाड़ जाना है हमें, थोड़ा दिख नहीं रहा। और आप सभी प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, और चंबा घाट को जाती बार ये थोड़ा सा आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि बस में गाने वगैरह लग जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये म्यूट भी कर रखी शायद। और अभी आने वाला है मोहन पार्क सोलन का। यहाँ के भी आपको मोहन पार्क के भी आपको कभी मैं वीडियो दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है सोलन की। ये सड़क और ये बिल्डिंग है, बहुत प्यारा प्यारा चारों तरफ को दिखाई देता है। ये है मोहन पार्क, छोटा सा पार्क है पर अच्छा, बहुत प्यारा पार्क है। और ये देखो कितनी कितनी प्यारी बिल्डिंग है, घर है लोगों के। और ये बहुत उधर जाना है हमें, सामने पार दिखाई दे रहा है जो, वहाँ पे हमें जाना है। अभी हम पहुँचने वाले हैं चंबा घाट। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर यार, मैं तो सभी को सपोर्ट करती हूँ पर कई लोग चीटिंग कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, ऐसा मत किया करो। और जो वीडियो पे आके लिख जाते हैं कि फुल वॉच किया है, आपको डन कर लिया है, ऐसा भी कुछ भी ना लिखे, और अपने चैनल का नाम भी ना लिखे साथ में, और अपना नाम भी ना लिखे, पता चल जाता है कि किसने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी ना लिखें, रिटर्न कर दें, ऐसा कुछ नहीं लिखे। और शॉर्ट वीडियो पे मुझे कोई भी सब्सक्राइब ना करें, लॉन्ग वीडियो को देखें, और लॉन्ग वीडियो से ही मुझे फ्रेंड बनाएं। और चीटिंग ना करें कि आप आते हो वीडियो पे और एक मिनट भी नहीं देते और लिख के चले जाते हो डन कर दिया है, तो ऐसा ना करें। और अभी आने वाली है ट्रेन, तो अब हमारी बस रुक गई है यहाँ पे। क्योंकि फाटक लग चुका है, अब आएगी ट्रेन। हमें पता ही नहीं था किस साइड से ट्रेन आनी है। हम वेट कर रहे थे यहाँ पे ट्रेन का, आने वाली है अभी ट्रेन। ये आगे शिमला से टू कालका जाने वाली चंबाघाट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन, कितनी प्यारी लग रही है। आप सभी मुझे बताना आपको कैसी लगी सोलन में ये वाली
ट्रेन, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ यहाँ पे, ठंडा ठंडा हो जाता है क्योंकि आजकल बादल भी हो जाते हैं, शादी का मौसम है। वैसे तो जो वर्क करते हैं उनके लिए तो थोड़ी धूप लगती ही है, पर फिर भी ठीक है मौसम हमारा यहाँ का। और देखो ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। अब पहले की तरह नहीं रहा, पहले भी हम छोटे छोटे होते थे तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था, अब तो सड़क भी हाईवे बन रही है, उस वजह से पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक हो रहा है। हमारे से तो जब हम बस से उतरे तो सड़क ही क्रॉस नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से सड़क हमने पार की है। और मेरे YouTube फैमिली, आपका दिल से शुक्रिया, प्लीज़ सपोर्ट मी करें और फुल वॉच करें, आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सब्सक्राइब बन जाते, मुझे सब्सक्राइब करने जो अगर नए हैं कोई। और ये हाईवे रोड है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी पर कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर कुछ पुल की तरह बन रहा था। अब हम बस से उतर के और सड़क से पाली साइड को हम, मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी और राजीव को बोला था मम्मा चलो, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे बताना और फुल वॉच करना। थैंक यू सो मच मेरी YouTube फैमिली।